नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने अलग अलग अस्पतालों से मिली जानकारी के आधार पर 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। 4 लोगों को गंभीर हालत में कोटाकल अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। हादसा किस वजह से हुआ इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर FIR दर्ज हुए भी 10 दिन बीत चुके। नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने उनके खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराया। इनमें पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं हैं जिनमें आरोपी को फौरन गिरफ्तार करने के नियम है। इसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोपी की सत्यता की जांच कर सकती है। सियासी संकट के वक्त सरकार गिराने में सहयोग नहीं देने पर CM अशोक गहलोत के पूर्व CM वसुंधरा राजे की तारीफ करने पर विवाद हो गया। राजे ने गहलोत पर निशाना साधते हुए उनकी तारीफ को षड्यंत्र बताया है। राजे ने रविवार देर रात लिखित बयान जारी कर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए हैं जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट कैंप पर बगावत के वक्त BJP से करोड़ रुपए लेने का आरोप दोहराया। साथ ही अमित शाह को पैसा वापस लौटाने की सलाह भी दी। रविवार को धौलपुर के राजाखेड़ा के पास महंगाई राहत कैंप की सभा में गहलोत ने कहा, उस वक्त हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ बांटा गया, वह पैसा अमित शाह को वापस लौटा देना चाहिए। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत इन सबने मिलकर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।